दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन इमारतें हैं और इन सब में से 7 अजूबे हर साल चुने जाते हैं जिन्हें दुनिया के 7 अजूबे कहा जाता है। आप सबको पता ही होगा कि ये 7 अजूबे कौन से हैं, लेकिन एक शब्द का और इस्तेमाल किया जाता है जिसे 8वां अजूबा कहते हैं। ये वो इमारतें संरचनाएं होती है जो 7 अजूबों को कड़ी टक्कर देती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जगह जिन्हें 8वां अजूबा घोषित किया जाना चाहिए। हमने चुनाव किया है झूले जैसे पुल से लेकर आग उगलती इमारतों में से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, चौथे नंबर पर है रेड स्क्वायर। ये स्थित है मॉस्को में, इसे मॉस्को का दिल भी कहा जाता है। ये जगह इतनी मनमोहक है कि इसे कई लोग 8वां अजूबा भी कहते हैं। इस जगह में देखने वाली चीज है चार्च हेंड्रल, कैमरिंग वॉल, कैमरिंग टॉवर। ये शहर के बीचों बीच है और पूरे शहर को जोड़ता है। यह जगह इतिहास में भी सोवियत यूनियन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। अब आप ही सोचिए इस जगह पर कौन रहता होगा। यकीनन दुनिया का सबसे ताकतवर नेता यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अंगकोर वाट मंदिर। अंगकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में, इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी कहा जाता है। इसे खमेर शासन काल में बनवाया गया था। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर 402 एकड़ में बना हुआ है। ये पत्थरों से बना विशाल मंदिर इतिहास में निर्माण कुशलता का नमूना है, जहां आज भी इमारतें 100 साल बाद ही एक तरफ झुककर सलाम करने लगती है। ये मंदिर 800 साल बाद भी बेहतरीन हाल में है। न्यू स्टील कैसल। इस महल को 1886 में बनाया गया था और ये स्थित है बवारिया जर्मनी में। इसे वहां के राजा रिचर्ड वेगलर के लिए बनाया गया था। इस महल को बनाया ही एक पहाड़ी के ऊपर गया है। आपने इसे कई बार फिल्मों में देखा होगा। हर साल इसे देखने के लिए 15,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं। ये महल हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन जितना सुंदर ये बाहर से नजर आता है उतना ही बेहतरीन कला का नमूना अंदर से भी है। इस महल की दीवारें पेंटिंग से भरी पड़ी है जो कि इन दीवारों पर ही की गई है। इसके दरवाजों को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे उसे खोलने पर हैरी पॉटर की दुनिया में जाया जा सकता है। द गोल्डन ब्रिज। जून 2018 को एक पैदल चलने के लिए पुल खोला गया। ये पुल बनाया गया बाना हिल्स रिसोर्ट में। ये स्थित है वियतनाम में। इस पुल को केबल कास्टिंग को गार्डन से जोड़ने के लिए बनाया गया। खोलने के बाद से ही ये आकर्षण का केंद्र बन गया। ये पुल बेहद ही ऊंचाई पर है और सिर्फ पैदल चलने के लिए बनाया गया है। इस पुल के साथ दो हाथ भी ऐसे बनाए गए हैं जैसे उन्होंने इस पुल को संभाल रखा हो। इसे गॉड्स हैंड्स भी कहा जाता है और यकीनन इस पुल पर चलते वक्त भी ऐसा ही एहसास होता है कि हमारी जान भी इन हथेलियों पर आ गई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।